एक बार पुनः मेरे प्राणों का प्रेम, अंतर हृदय से मेरे आशीष। आपने गीत, संगीत, नृत्य तीनों में स्वयं को डुबोया, और जब आप स्वयं को डुबो देते हैं, जब आपकी ऊर्जा बहने लगती है, तब सबसे बड़ी घटना जो आपके भीतर घटती है, आपका अहंकार उतनी देर के लिए विसर्जित होने लगता है। उस अहंकार विसर्जन की अवस्था में इस अस्तित्व की ऊर्जा से आपका तार जुड़ जाता है। इसीलिए गीत, संगीत, नृत्य तीनों का अध्यात्म जगत में बड़ा महत्व है। इन तीन दिनों में आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ऊर्जा 24 घंटे हर पल ऐसे प्रवाहमान रहे जैसे आपका पूरा व्यक्तित्व पिघलता जा रहा है, जैसे आप हैं ही नहीं, वास्तव में आप जो हैं वह खिले हुए फूल हो सकते हैं। सिर्फ ये अहंकार, ये ईगो, सिर्फ ये झूठा मैं, वही छाती पर बोझ बन जाता है और वही चिंता, अशांति, तनाव, उपद्रव इन सारे रूपों में आपके जीवन में प्रकट होता है। वास्तव में जीवन इतना जटिल है नहीं। जीवन की सारी जटिलता को बहा देने की व्यवस्था का नाम ही साधना है। जितनी जटिलताएं, जितनी ग्रंथियां, जितनी गांठें हमने पैदा कर ली है, सिर्फ उन गांठों को खोल देना है ताकि तुम सरल, सहज और प्रवाहमान हो जाओ। अन्यथा जो कुछ तुम्हें जन्म के साथ मिला है उसके अनुभव से तुम वंचित हो जाओगे। इन साधनाओं से आपको कुछ मिलता नहीं बाहर से, लेकिन जो कुछ जन्म के साथ आपको मिला हुआ है, जिसे कहते हैं परमात्मा, तुम्हें मिला ही हुआ है। सिर्फ इतनी गांठें, इतनी जटिलताएं, इतनी ग्रंथियां हमने पैदा कर ली हैं, जिसके कारण जो हमारा मूल स्वरूप है परम आनंद का, कृष्ण का, परमात्मा का, उसका बोध हमें नहीं मिल पाता। मैंने इस पृथ्वी के जितने संबुद्ध पुरुष हुए हैं, सबके जीवन को बहुत गहराई से, विद्यार्थी जीवन से ही जानने की चेष्टा करता रहा, और सबको बहुत गहनता से जानते जानते मेरे प्राणों में धीरे धीरे समझ पैदा होने लगी, और उस समझ का सारांश इतना ही है कि जितनी तुम्हारी ग्रंथियां हैं उन्हें तुम्हें खोल दो। तुम्हें पाने के लिए कहीं किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना प्रार्थना के नाम पर गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है, ना बाहर के जगत में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सिनेगा कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत है, ना काशी, ना काबा, ना कैलाश। सिर्फ जहाँ हो, जैसे हो, वहीं परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रकट होने लगता है। मुझे याद आती है चीन का एक संबुद्ध व्यक्ति हुआ लाओत्से, जिसने एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ लिखा, छोटी सी पुस्तक ताओ ते किंग, और उसका व्यक्तित्व बड़ा अनूठा था। 70 साल की उम्र में एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, हवाएं तेजी से चल रही थी, एक पत्ता पेड़ से गिरता है और जैसे ही डाल से टूटता है हवाएं उसे ऊपर उड़ा ले जाती, और गौर से देखता है लाओत्से कि वो पत्ता हवाओं पर सवार होकर ऊपर उड़ता चला जाता है, फिर हवाएं धीमी होती है, हवाओं के साथ पत्ता नीचे आने लगता है, फिर हवाएं पूरब की तरफ बहने लगती हैं तो पत्ता पूरब की तरफ बहने लगता है,
हवाएं ऊपर तेजी से चलने लगती है तो पत्ता ऊपर तेजी से हवाओं के साथ ऊपर चलने लगता है। ऐसे देखता रहा काफी देर तक, वो पत्ता जमीन पर गिरने का नाम ही नहीं लेता है, हवाएं जिधर जाती हैं उधर चला जाता है, दाएं तो दाएं, बाएं तो बाएं, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, और पत्ता आसमान में आनंदित होकर लहराता रहा और फिर एकाएक जमीन पे गिर जाता है। और उस सूखे पत्ते को ऊपर उठते नीचे गिरते दाएं जाते बाएं जाते इस प्रकार चारों तरफ बिना किसी श्रम के नृत्य करते हुए देखता है और उसको देखते देखते उसे बुद्धत्व उपलब्ध हो जाता है। ही बिकेम एनलाइटेंड और उसने कहा मुझे जिंदगी का राज मिल गया। और राज उसने क्या कहा, उसने कहा सिर्फ सूखे पत्ते की तरह अपने जीवन को छोड़ दो अस्तित्व के हाथों में, वो ऊपर ले जाए तो ऊपर, दाएं ले जाए तो दाएं, बाएं ले जाए तो बाएं, नीचे तो नीचे, इधर तो इधर, उधर तो उधर, जिधर ले जाए अस्तित्व तुम अस्तित्व पर सवार हो जाओ। सरिता तो स्वयं बही जा रही है सागर की तरफ, तुम्हें तैरना नहीं सिर्फ जल की तरंगों पर सवार हो जाना है, तुम सागर पहुंचने को निर्मित ही हो, सागर तुम पहुंचने के लिए बनाए ही गए हो, बुद्धत्व तुम्हारी नियति है, परम आनंद का खजाना तुम्हारी नियति है, लेकिन तुम संघर्ष करते हो। संघर्ष नहीं, संघर्ष शून्यता का मार्ग है जो लाओत्से ने दिया, उसको भारतवर्ष के मनीषियों ने समर्पण की संज्ञा दी। उन्होंने कहा छोड़ दो स्वयं को उसके हाथों में और तुम पहुंच जाओगे, लेकिन ये छोड़ पाना उसके हाथों में, तुम इतने जटिल हो कि छोड़ पाना बहुत कठिन है, इसीलिए गुरु की जरूरत है, अन्यथा गुरु की कोई जरूरत भी नहीं थी। सिर्फ इसलिए जरूरत है कि तुम्हें छोड़ पाने की कला को सिखाने वाला कोई संबुद्ध सदगुरु चाहिए। और जब लाओत्से से पूछा गया कि जो तुम्हें मिला है वो सबको मिल जाए, इसको पाने का राज क्या, उन्होंने कहा जो क्रांति मेरे भीतर पंद्रण सूखे पत्ते को देखकर मेरे भीतर घटित हुआ, उससे मेरे भीतर जो रसायन बदला उसके आधार पर उसने सिर्फ तीन महत्वपूर्ण बातें कही कि इन तीन महत्वपूर्ण बातों की समझ मनुष्य को आ जाए तो मनुष्य को वही उपलब्ध हो सकता है जो मुझे सूखे पत्ते को देखकर उपलब्ध हुआ। तो उन तीन बातों को थ्री ट्रेजर्स ऑफ ताओ, ताओ जो उनका धर्म था, उस ताओ धर्म के थ्री ट्रेजर्स, तीन खजाने के रूप में सारी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। ताओ के तीन खजाने यानी तीन ही बातें उन्होंने कही और आज मैं उन तीन बातों की चर्चा आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि वह तीनों बातें वास्तव में साधना के जगत का, अध्यात्म के जगत का संपूर्ण सार कह देती हैं। पहला सूत्र उन्होंने कहा द फर्स्ट इज लव, उन्होंने कहा पहला सूत्र है प्रेम, यानी आपके जीवन में अगर प्रेम आ जाए तो ये गांठें आपकी सारी खुलने लगती हैं, ग्रंथियां टूटने लगती हैं, अहंकार पिघलने लगता है। पहली बात उन्होंने ना तो परमात्मा कही, ना उन्होंने प्रार्थना न कही,
ना कुछ और कहा, उन्होंने कहा प्रेम। इसका बहुत बड़ा कारण है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, क्योंकि प्रेम के बिना प्रार्थना असंभव है। अगर आपके भीतर प्रेम नहीं पैदा हुआ है तो आपके भीतर प्रार्थना पैदा ही नहीं हो सकती है। आपके भीतर प्रेम नहीं हुआ है तो आपके प्राणों में प्रार्थना का स्वर जन्म ही नहीं ले सकता है, क्योंकि प्रेम ही प्रार्थना का प्राण है। और प्रेम की क्षमता उस सब के भीतर है जो इस पृथ्वी पर गर्भ से पैदा हुआ है। ये कोई ऐसी क्षमता नहीं है जिसके लिए बड़ी साधना करनी पड़े तब प्रेम आएगा, क्योंकि तुम प्रेम के अणु से ही पैदा हुए हो। तो तुम्हारे जीन्स में प्रेम की क्षमता है। प्रेम के अणु से पैदा होने का अर्थ है तुम माँ बाप के प्रेम संबंध का ही परिणाम हो, और माँ और बाप इन दोनों का जो प्रेम संबंध होता है, भले ही माँ बाप में कभी कोई प्रेम ना रहा हो, लेकिन प्रेम के गहन क्षणों में जब तुम गर्भ में आए होगे, उतनी देर के लिए दोनों ही अहंकार शून्य हो जाते हैं। उनके अहंकार शून्यता की अवस्था में जो क्षण भर को गहन प्रेम की अवस्था होती है, उसी से तुम निर्मित हुए हो, और उससे निर्मित होने के कारण प्रेम का अणु तुम्हारे जीन्स में, तुम्हारे रोए रोए में, तुम्हारे मांस मज्जा और जर्रा जर्रा में प्रवाहित हो रहा है। और इसीलिए प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें कहीं अलग से खोजना है, है तुम्हारे भीतर, मूल रूप में है, लेकिन उसके ऊपर पथरीली चट्टान निर्मित हो गई है। उसका पिघलना और उसका प्रकट होना बहुत जरूरी है, अन्यथा प्रेम तुम्हारे, प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे भीतर वो पथरीली होकर चट्टान होकर ऐसे दबी रह जाती है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेते हो बार बार मरते हो, लेकिन वो प्रेम की ऊर्जा ज्यों की त्यों दबी रह जाती है, वो कभी जागती नहीं। इसलिए जीवन का सबसे मूलभूत स्वरूप है कि अपने भीतर जो प्रेम की क्षमता है, उस प्रेम की क्षमता को जगाओ। भारतवर्ष में तो भगवान कृष्ण प्रेम के प्रतीक ही बन गए। राधा और कृष्ण का प्रेम सारी मनुष्यता के लिए पुरुष और प्रकृति के प्रेम के रूप में रासलीला के माध्यम से अध्यात्म जगत की सबसे बड़ी धरोहर और संपदा का प्रतीक बन गया। और यही नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी जीसस ने कहा लव, एंड थ्रू लव यू विल नो गॉड, बिकॉज गॉड इज ओनली लव। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, इस एक सेंटेंस में ही पूरी बाइबल समाप्त हो जाती। जीसस ने कहा लव, प्रेम करो, एंड थ्रू लव, और प्रेम करने के माध्यम से यू विल नो गॉड, आपको परमात्मा मिल जाएगा, बिकॉज गॉड इज लव, क्योंकि परमात्मा सिर्फ प्रेम है, परमात्मा सिर्फ प्रेम है। इसे दूसरे तरीके से समझे, बड़ी बारीक बात है, उन्होंने ये नहीं कहा कि परमात्मा को प्रेम करो, लव गॉड, उन्होंने नहीं कहा कि परमात्मा को प्रेम करो ताकि तुम परमात्मा को पा सको, परमात्मा को जान सको, उन्होंने कहा तुम प्रेम करो ताकि तुम परमात्मा को जान सको, क्योंकि परमात्मा सिर्फ प्रेम है, परमात्मा को भूल जाओ।
परमात्मा की बात ही ना करो। उन्होंने कहा परमात्मा को भूल जाओ, परमात्मा की बात ही ना करो, सिर्फ प्रेम को पूर्णता से कर लो, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, क्योंकि परमात्मा सिर्फ प्रेम है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। और यही उपनिषद के ऋषियों ने कहा, और यही संबुद्ध सदगुरु लाओत्से कहता है कि पहला खजाना है जिंदगी में प्रेम को जानो, प्रेम के गहन अनुभव से गुजरो, प्रेम को फैलाओ, परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएगा। परमात्मा के पीछे भागने की जरूरत नहीं, परमात्मा का तो आपको पता भी नहीं है, लेकिन प्रेम का आपको पता है। प्रेम आपके भीतर की क्षमता है, इसलिए जहां पर तुम हो, जो तुम्हारी क्षमता है, जो तुम्हारा अंतरंग सूत्र है, जहां से तुम्हारी मूल उत्पत्ति है, जो तुम्हारा मूल अणु है, उस अणु को तुम सहजता से विकसित कर सकते हो। वो अणु प्रेम का है जिससे तुम बने हो। और ये प्रेम है क्या? प्रेम है दो व्यक्तियों का मिलन, जो अपने अहंकार को हटाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। यानी दो व्यक्तियों का मिलन जो अपने अहंकार को हटाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, प्रेम है समर्पण एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति, जिनके बीच में अहंकार मिट गया है, अहंकार विसर्जित हो गया है, अहंकार चला गया है। और जब ये अहंकार चला जाता है तो दोनों को एक दूसरे के प्रति बेशर्त भरोसा उपलब्ध हो जाता है। दो व्यक्तियों के बीच जो बेशर्त भरोसा उपलब्ध होता है, वो अहंकार के विसर्जन का ही परिणाम है। लेकिन हमारे जीवन की इतनी तरह तरह की व्यवस्थाएं ऐसी हो गई है कि वो प्रेम, वो अहंकार का विसर्जन, वो समर्पण घटित नहीं हो पाता है। हमारा प्रेम आधा अधूरा रह जाता है। प्रेम का पूरी संपूर्णता से पूरे जीवन में व्यक्ति कभी अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी जीवन व्यवस्था इस प्रकार के संस्कारों से इतना जटिल कर दी गई है कि पूरी जिंदगी बीत जाती है और एक जिंदगी नहीं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये चक्कर चलता ही रहता है। हम प्रेम की कला को सीख नहीं पाते हैं। अहंकार शून्य प्रेम की अवस्था, बेशर्त समर्पण की अवस्था जो दो व्यक्तियों के बीच में संभव हो सकती है, उससे हम वंचित हो जाते हैं। वास्तव में प्रेम है क्या? प्रेम का अर्थ है, अगर आप समझ ले तो वास्तव में उस समझ के साथ ही आपके भीतर कुछ खिलने लगेगा। हम सदैव जीवन साथी के रूप में भी एक दूसरे से प्रेम की मांग करते रहते हैं। पति की अपेक्षा पत्नी और अधिक प्रेम करे, बेशर्त प्रेम करे, अहंकार शून्यता की अवस्था में होकर प्रेम करे। हमारा प्रेम मांग बन जाता है। पति पत्नी से मांग रही है, पत्नी पति से मांग रही है, पति पत्नी से मांग रहा है, माँ बेटे से मांग रही है, बेटा माँ से मांग रहा है, बेटा बाप से, बाप बेटे से, सारी दुनिया में प्रेम की मांग चल रही है।
जबकि प्रेम का पहला सूत्र है मांगना नहीं, सिर्फ देने का भाव। जिसके प्राणों में प्रेम होता है वह सिर्फ अपना संपूर्ण सब कुछ उसको दे देना चाहता है जिसको वो प्रेम करता है, और देने में ही तृप्ति का अनुभव है, देने में ही उसका काम पूरा हो जाता है। अपेक्षा नहीं करता कि मुझे एक थैंक यू बोले, अगर अपेक्षा आ गई तो इसका अर्थ प्रेम बेशर्त सहज स्वाभाविक भीतर से अहंकार शून्य अवस्था में फलित नहीं हो रहा है। तो प्रेम का पहला स्वरूप है प्रेम, दान बन जाता है, मांग नहीं रह जाता। और प्रेम सच्चे अर्थों में जीवन का दान है। अगर तुम प्रेम से किसी की तरफ देख लेते हो तो तुम उसकी जिंदगी में चार चांद जोड़ देते हो, उसको इतना आनंद का अनुभव हो जाता है जैसे उसको बहुत बड़ी संपदा मिल गई। कभी कोई इस तरह आपकी तरफ भी गहन प्रेम से देख लेता है तो आपको लगता है जैसे इस अस्तित्व की सबसे बड़ी संपदा आपके ऊपर किसी ने न्योछावर कर दी है। प्रेम इतनी बड़ी शक्ति है। कहते हैं दुनिया में कई लोगों से मैंने सुना है कि डॉक्टर की दवा उतना काम नहीं करती जितना कि उस डॉक्टर का हाथ काम करता है। कहते हैं उसके हाथ की दवा मुझे बहुत लगती है। वास्तव में उसके हाथ की दवा आपको लगती है, इसका सीधा अर्थ है कि उसकी दवाई से मतलब नहीं, जिस ढंग से वो दवा देता है, जिस प्रेम की गहनता से, और आप स्वस्थ हो जाएं इस गहन भाव से आपको वह औषधि देता है, उस भाव से औषधि को प्राप्त करना ही उसके हाथ की औषधि का कमाल है। यानी वह जो प्रेम उस औषधि के साथ आपको अर्पित करता है उस प्रेम का चमत्कार है। इसीलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा लव इज द ग्रेटेस्ट क्योर, प्रेम सर्वाधिक शक्तिशाली औषधि है। बच्चे को माँ के प्रेम से वंचित कर दिया जाए बचपन में तो बच्चा सामान्य नहीं रहता है। बच्चा निश्चित रूप से असाधारण रूप से विकृत हो जाने की दिशा में तत्पर हो जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ सद्गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है वह सद्गुरु की ओर से उसके बेशर्त प्रेम का ही संबंध है। जैसा मैंने कहा, मैंने संबुद्ध इस पृथ्वी के लगभग तमाम सारे संबुद्ध पुरुषों के जीवन को बहुत गहनता से समझा है, जानने की चेष्टा की है बचपन से। और मैंने ये जाना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो सिर्फ संबुद्ध सदगुरु का प्रेम पाकर ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, जिसके लिए सदगुरु ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सदगुरु का प्रेम उन्हें मिला बेशर्त, और शिष्यत्व की घटना उनके भीतर इतनी गहनता से घटी कि बिना किसी साधना के, बिना किसी शिक्षा के सद्गुरु का प्रेम शिष्य के भीतर उस विराट संपदा को उड़ेल देने का माध्यम बन गया जिसके लिए लोग जन्मों जन्मों तक साधना करते हैं और नहीं प्राप्त कर पाते। और मैं ऐसे भी तमाम सारे लोगों को, साधकों को जानता हूं
जिनको सदगुरु ने बड़ी साधनाएं भी सिखाई और शिष्य के रूप में उन्होंने बहुत गहनता से साधनाएं भी की, लेकिन सदगुरु के हृदय के गहन प्रेम को प्राप्त करने से वे स्वयं को वंचित कर लिए। ऐसे शिष्य भी यूं ही साधना करते करते मर गए और बुद्धत्व की संपदा उन्हें नहीं मिल सकी। ऐसे तमाम सारे लोगों को जानता हूं, तमाम सारे लोगों को जानता हूं। तो ये प्रेम महा औषधि है। समर्पण का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि सदगुरु का बेशर्त प्रेम जो तुम्हें उपलब्ध हो रहा है उसको आत्मसात करने के रास्ते में तुम दीवाल मत बन जाओ, बाधा मत बन जाओ, उसको अपने ओर आने दो। तुम्हारा दुर्भाग्य यही है कि तुम चूक जाते हो, उसके बेशर्त प्रेम को भी आत्मसात करने से वंचित हो जाते हो, दीवाल बन जाते हो, संदेह भ्रम और तरह तरह के जालों में उलझ जाते हो। थोड़ा होशपूर्ण रहो, कोई विराट संदेश लाओत्से के माध्यम से तुम्हारे हृदय तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहा हूं, उसे अपने भीतर बह जाने दो। अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाओ। जैसे ही आपके भीतर संवेदनशीलता बढ़ेगी, आपके ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, आप पाएंगे कि खेल खेल में बिना किसी साधना और बिना किसी सिद्धि के, बिना किसी तपस्या और बिना किसी व्रत के, बिना किसी यातना और बिना किसी यंत्रणा के तुम इस विराट अस्तित्व की तरंग बनकर परम आनंद के सागर में डुबकी लगाने लगे हो। ये घटना घट सकती है अभी, यहीं, इसी क्षण, कभी भी। तो पहला सूत्र मैंने आपसे कहा, प्रेम को फैलाओ, परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएगा। जब दो व्यक्ति अहंकार विसर्जन की अवस्था में मिलते हैं तो वहां एक तीसरा भी मौजूद हो जाता है, और वो तीसरा सच्चे अर्थों में कहूं तो साक्षात परमात्मा ही होता है। और यह तीसरा किन्हीं दो व्यक्तियों के गहन प्रेम की अवस्था में, अहंकार शून्यता की अवस्था में संभव हो सकता है। हाँ, प्रेम को कैसे विकसित करें, कैसे जीवन में अधिक से अधिक प्रेम पैदा करें और प्रेम करने की कला कैसे सीखें, ये अध्यात्म का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय को सीखने के लिए सिर्फ सद्गुरु का सान्निध्य ही पर्याप्त है। सिर्फ हृदय खोल कर उपलब्ध रहो तो 3 दिन के भीतर ही इस कला को भी सीख सकते हो। ये सीखना होता है। हम सोचते हैं कि हम तो जन्म से प्रेम को जानते ही हैं, प्रेम में सीखने के लिए क्या है? वास्तव में प्रेम सीखना पड़ता है। और प्रेम में डूबने की कला भी सीखनी पड़ती है, और इस कला को शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। जब बेशर्त प्रेम उपलब्ध होता है सदगुरु के माध्यम से तो उसकी तरंगे तुम्हें पकड़ने लगती हैं और तुम्हारे जीवन से अहंकार स्वतः विसर्जित होने लगता है। इसीलिए भारतवर्ष के अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने बार बार कहा, जितना अधिक संभव हो सदगुरु के सानिध्य में उपलब्ध रहो। सदगुरु आग की आंच की तरह है, भले ही कुछ नहीं देगा, उसके सानिध्य में, उसकी उपस्थिति में तुम्हें उसकी आंच मिलेगी
और उसकी आँच, उसकी हीट, उसकी तपिश, उसकी ऊर्जा तुम्हारे प्राणों को ऐसे लपेट लेगी कि उससे छूट पाना असंभव हो जाएगा। बहुत बहुत प्यार इस पहले सूत्र के लिए। और दूसरा खजाना जो लाओत्से ने दुनिया को दिया, उस खजाने का नाम है जिंदगी में कभी प्रथम होने की चेष्टा मत करना, नहीं तो तुम्हारी सारी जीवन ऊर्जा प्रथम होने के चक्कर में ही नष्ट होकर जलकर राख हो जाएगी और तुम किसी काम के न रह जाओगे, तुम आदमी ही न रह जाओगे, परमात्मा को परम आनंद को पाने की तुम्हारी संभावना ही समाप्त हो जाएगी। मुझे कुछ दिन पहले की एक घटना याद आती है। एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे, मेरे प्रति बड़ा प्रेम रहा उनका। एक बार मैं उनके साथ बनारस से इलाहाबाद उन्हीं की कार में बैठकर यात्रा कर रहा था। गाड़ी वो खुद ड्राइव कर रहे थे और यात्रा करते करते एकाएक मेरी निगाह रास्ते के माइलस्टोन पर पड़ी। मुझे लगा कि जैसे हम रास्ता भटक गए, कुछ ऐसे स्थान जिनसे मैं गुजर रहा था वह इलाहाबाद के रास्ते में पड़ते नहीं थे। तो मैंने रोका, मैंने कहा थोड़ा गौर करें, मुझे लगता है कि रास्ता आप भटक गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरुदेव, चलने दीजिए। मैं थोड़ी देर बाद कहता हूँ, भाई मुझे पक्का यकीन है तुम रास्ता भटक गए हो। उन्होंने कहा गुरुजी मुझे पता है, लगभग एक घंटा हो गया है, लेकिन जब तक ये जो सामने गाड़ी जा रही है इसके आगे मैं नहीं निकल जाता हूँ तब तक मैं लौटने वाला नहीं हूँ। एक घंटे से मैं इसका पीछा कर रहा हूँ लेकिन ये रास्ता नहीं दे रहा है, इसको पीछा करके ही मैं वापस लौटूंगा। और संजोग से थोड़ी ही देर बाद इन्होंने उस गाड़ी को ओवरटेक कर लिया, लेकिन मुझे लगता है झपकी लग गई थी, मैं देख नहीं पाया। तो पिछले एक घंटे से वो उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे और जब उसको ओवरटेक करते हैं उस गाड़ी को रोकने का इशारा करते और कई बार इन्होंने रोकने का इशारा किया लेकिन वो भी रुकने वाला नहीं था, वो रुका नहीं। लेकिन फिर इन्होंने अपनी गाड़ी धीमी करी, मैंने कहा तुम वापस चलो, आगे आ गए और सवा घंटे पीछे जाना पड़ेगा। तो लगभग ढाई घंटा मेरा बर्बाद हुआ सिर्फ इस कारण कि वो जिद्दी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा इसको मैं पीछे करके और खुद आगे निकलने के बाद तभी वापस लौटूंगा। और उनके ऊपर आपको हंसी आ रही होगी, स्वाभाविक है, लेकिन ना जाने कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो हर रोज इसी तरह की चेष्टाओं में, इसी तरह के प्रयासों में, इसने मकान बना लिया है, इससे अच्छा मकान न बना लिया तो अब प्राणों में चढ़ गई कि मकान इससे अच्छा बनना ही बनना है, इसने पड़ोसी ने ये गाड़ी ले ली है, इससे बड़ी गाड़ी ना ले ली तो जीना मुश्किल है। और 24 घंटे तुम किसी ना किसी से तुलना में लगे रहते हो और इससे आगे होने की दौड़, उससे आगे होने की दौड़, नंबर वन होने की दौड़, इस पागलपन में तुम्हारी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, तुम स्वयं से बहुत दूर चले जाते हो, स्वयं को भूल ही जाते हो। तुम्हारी सारी ऊर्जा संलग्न हो जाती है नंबर वन होने में, औरों से आगे होने में, और तुम खोखले हो जाते हो,
और जाने कितना समय, जाने कितना श्रम बर्बाद कर देते हो। तुम उनसे आगे हो जाओ या पीछे रह जाओ ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुम बर्बाद होते हो निरंतर इस संघर्ष में, इस प्रयास में। तो लाओत्से कहता है दूसरा खजाना जिंदगी का, कभी ना भूलना, कभी किसी दूसरे से तुलना मत करना और किसी से आगे होने और नंबर वन होने की दौड़ में बिल्कुल नहीं लगना। तुम्हारा जीवन इतना अर्थहीन है नहीं जितना अर्थहीन तुमने बना लिया है अपनी नासमझियों के कारण। वास्तव में ये पृथ्वी गोल है। क्या है? गोल। और इसमें हर आदमी एक सर्कुलर वृत्ताकार पथ पर खड़े हैं, उसमें हर आदमी एक दूसरे से आगे है। तो कोई भी आदमी सबसे आगे हो ही नहीं सकता। हर एक तुम अपने को हर जगह पाओगे कि किसी ना किसी के पीछे हो, और हर आदमी पाएगा कि वो किसी ना किसी के पीछे है। लेकिन इस दुष्चक्र को तुम समझ नहीं पाते हो और इस दुष्चक्र में उलझकर राख हो जाते हो, जिंदगी को बर्बाद कर देते हो। तुम्हें अस्तित्व ने कुछ निर्धारित करके, नियत करके भेजा। हर व्यक्ति अद्वितीय है और इस अस्तित्व का, इस प्रकृति का या कहें परमात्मा का हर व्यक्ति के लिए एक अद्भुत डेस्टिनी निर्धारित की गई। आपकी नियति निर्धारित है अस्तित्व के द्वारा और वह बड़ी अद्भुत है, लेकिन आप अपनी डेस्टिनी को पहुंच नहीं पाते हो। और उस डेस्टिनी को जो आपकी निर्धारित कर दी गई है, भगवान कृष्ण कहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, क्योंकि आप भटक जाते हो। आपका गंतव्य क्या है? आपका गंतव्य है अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना, परम आनंद को प्राप्त करना, परमात्मा के साथ एक होना, एक्सपीरियंसिंग वननेस विद द होल यूनिवर्स, एक्सपीरियंसिंग वननेस विद द होल यूनिवर्स। और कृष्ण को प्राप्त करने का भी वही अर्थ है, परमात्मा को प्राप्त करने का भी वही अर्थ है। हर एक की नियत है कि वह आत्म साक्षात्कार की अवस्था को उपलब्ध हो। अगर तुम भटको नहीं दुनिया भर के जालों में, तो इसी जीवन में, इसी शरीर में आत्म साक्षात्कार की घटना घट सकती है। अब मेरे साथ होने का यही एक असाधारण लाभ तुम प्राप्त कर सकते हो कि अपनी निर्धारित नियति को इसी जीवन में अल्पतम समय में उपलब्ध हो जाओ। अगर थोड़ा जाग जाओ, थोड़ा समझ सको, ये सूत्र इसीलिए दे रहा हूँ कि अगर इन सूत्रों का स्मरण आपको बना रहे तो विराट क्रांति हो सकती है और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के जाल से तुम अभिमुक्त हो सकते हो। नहीं तो सारी ऊर्जा इधर उधर, इससे आगे बढ़ने में, उससे आगे बढ़ने में, नंबर वन होने में। राजनीतिक लोगों को देखकर बड़ा तरस आता, बड़ी पीड़ा होती, बड़ी करुणा आती है। बेचारे पूरा जीवन उसी महत्वाकांक्षा की दौड़ में लगा देते, तरस आता है कि नहीं? यस आर नो? लेकिन मैं एक और राज की बात करना चाहता हूं। आप सबके भीतर राजनीतिज्ञ बैठा हुआ है, महत्वाकांक्षाओं के रूप में, एम्बिशंस के रूप में, उसको पहचानो। ये मत सोचो कि मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो दिल्ली में बैठे हैं। मैं आपको संबोधित कर रहा हूं क्योंकि आपके भीतर भी राजनीतिज्ञ बैठा है महत्वाकांक्षाओं के रूप में।
मैं नहीं कहता कि तुम आसमान की ऊंचाइयों को न छुओ, मैं नहीं कहता कि तुम सुख समृद्धि की ऊंचाइयों को न छुओ, छुओ लेकिन किसी से तुलना नहीं, स्वयं की तुलना में आगे बढ़ो, स्वयं की तुलना में आगे बढ़ो और बढ़ते जाओ, तो आपको कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई छोह नहीं होगा। अरे अपने रास्ते पर चलो, अच्छी से अच्छी चाल में चलो, तो बनारस से इलाहाबाद जल्दी पहुंच जाओगे, नहीं तो 2.5 घंटे और लग जाएंगे। ऐसे हर रोज तुम जाने कितने घंटे व्यर्थ में बर्बाद करते रहते हो अपने, अपनी आवश्यकताओं को पहचानो, उसे पूरा करो, बस सिर्फ दूसरों से आगे होने के प्रयास के चक्कर में मत उलझो। इसीलिए जीसस ने बड़ी अद्भुत बात कही कि जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़े होने का साहस करते हैं वह प्रभु के राज्य में सबसे पहले प्रवेश करते हैं। यानी आपके भीतर साहस हो सबसे पीछे खड़े होने का तो अंततः पहुंचोगे तुम्हें, और सब अधैर्य के कारण टूटेंगे, गिरेंगे, हाथ पैर में फ्रैक्चर होगा उनके और वो नष्ट होते चले जाएंगे। जो धैर्यवान है, जिसने अंत में खड़ा होने का राज सीख लिया है, उसके भीतर ऊर्जा इकट्ठा होती रहती है और जहां रहता है उसका जीवन आनंद की तरंगों से भरने लगता है। लाओत्से के बारे में मैंने सुना है कि वो जब सभाओं में जाता था तो सबसे पीछे बैठ जाता था, वहां जहां लोग जूते उतार कर बैठते थे वहां जाकर बैठ जाता था, लोग पूछते थे यहां क्यों बैठे हो, तो कहता है कि यहां से मुझे कोई भगाता नहीं है कभी। और जिनको आगे बैठना होता है उनको कितना प्राणायाम करना पड़ता है, आप समझ सकते हो, उनकी कुर्सी हमेशा खतरे में रहती है, पता नहीं कौन आ जाए और कितना तनाव उसका झेलते हैं बेचारे सिर्फ आगे होने के चक्कर में। महत्वाकांक्षाओं में मत उलझो, अपने जीवन को पूर्णता से जियो, और जब अपने जीवन को पूर्णता से जियोगे तो उस जीवन को जीने में तुम्हारे भीतर नृत्य पैदा होगा, गीत पैदा होगा, संगीत पैदा होगा, और तुम्हारा एक एक पल सौभाग्य का पल होगा। आप जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में काम करने वाले किसी व्यक्ति की अगर तारीफ होती है तो आपकी छाती पर सांप लौटने लगता है, अरे बाप रे बाप, अब किसी ने तार छेड़ दिया, अब कुछ ना हो लेकिन उसको सुन करके ही आपको रात नींद नहीं आएगी कि मेरी तारीफ नहीं होती, गुरु जी आखिर मैंने कौन सा पाप किया है कि मेरी ही नहीं होती और सबकी हो रही है तारीफ। अगर मैंने कह दिया कि तुम क्यों तारीफ के चक्कर में पड़े हो तो आप कहते हैं अभी तो गुरु जी मैं आप जैसा साक्षी नहीं बन सका हूं ना। हाँ मैं सुनता रहता हूँ, अब गुरु जी आप तो, अब मैं कहाँ अभी साक्षी बन पाया हूँ गुरु जी, आप आशीर्वाद दो साक्षी बन जाऊँ, लेकिन अभी मेरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये तो बर्दाश्त सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपने लक्ष्य बना रखा है, आपने गलत धारणाएं गलत मान्यताएं पैदा कर ली हैं। और हमेशा याद रखना, महत्वाकांक्षी व्यक्ति सदैव अपने स्वभाव से नीचे गिर जाता है, स्वभाव से नीचे गिर जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, यानी जो हर व्यक्ति का स्वधर्म है, जो उसका मूल स्वभाव है, उसके अनुरूप जीना ही धर्म है। तो हर व्यक्ति का एक
मूल स्वभाव है। कोई डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है, कोई इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ है, कोई बचपन से ही बिजनेस के गुर सीखता है, कोई बचपन से ही संगीत में थिरकने लगता है, कोई चित्रकला में प्रवीण होता है। यानी हर व्यक्ति चित्रकार नहीं हो सकता, हर व्यक्ति संगीतज्ञ नहीं हो सकता। आपके भीतर अस्तित्व ने, परमात्मा ने कुछ आंतरिक वृत्तियां निर्मित की हैं सबकी, और आपके जीवन का स्वधर्म कृष्ण कहते हैं वही है कि जो आपकी मूल आंतरिक वृत्ति है उसको विकसित करो और उसको खिलने दो और वो पूर्णता से खिल जाए। उदाहरण के लिए, अगर एक पौधा गुलाब का पौधा है तो गुलाब का पौधा गुलाब ही बनने की कोशिश करे, वह कमल बनने की चेष्टा ना करे। अगर गुलाब का पौधा कमल बनने की चेष्टा करेगा तो पहली बात जिंदगी भर कोशिश करेगा लेकिन कमल नहीं बन पाएगा, एक बात। और दूसरी बात वह चूंकि उसकी सारी ऊर्जा कमल बनने की चेष्टा में लग गई, इसलिए वह कभी पूर्ण रूप से खिला हुआ गुलाब का फूल भी नहीं बन पाएगा। अगर तुम स्वभाव से च्युत हो जाते हो, स्वभाव से नीचे गिर जाते हो, तो तुम अपनी पूर्ण संभावनाओं में स्वयं को खिला भी नहीं पाओगे। एक दुर्भाग्य ये होगा कि तुम स्वयं पूर्णता से खिले हुए पुष्प नहीं हो पाओगे, और दूसरा तुम जिस महत्वाकांक्षा को पाने में लगे हो उसको तो कभी प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। दोनों आयामों में आप असफल हो जाओगे, और धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना वही हो पाओगे जो होने के लिए पैदा हो हुए हो, और ना वह हो पाओगे जो होने की तुम चेष्टा कर रहे हो। इसलिए स्वधर्म निर्दमश, ना तो किसी दूसरे के जैसा होने की चेष्टा करनी है और ना नंबर वन होने की चेष्टा करनी है। अगर ये सूत्र आपकी समझ में आ जाए तो आपके जीवन में आनंद का, परम आनंद का विस्फोट हो सकता है। ये रहा दूसरा सूत्र। और अब तीसरे सूत्र की बात आपसे कहता हूं। तीसरा सूत्र कहता है, जिंदगी में हर प्रकार की अतियों से बचो। और उसको लाओत्से कहता है, नेवर डू टू मच। यानी हर प्रकार की अति से बचो, अवॉइड एक्सट्रीम्स। यानी मनुष्य के जीवन में उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह जिस दिशा में चल पड़ता है फिर उसी दिशा में चलता रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। जबकि जिन्होंने जाना उन सब ने कहा कि रुकने की कला सीखो, और कहाँ रुको, मध्य में रुको। भगवान बुद्ध कहते हैं मध्यम निकाय, यानी बीच में ठहर जाओ। बीच में ठहर जाने को क्या कहते हैं, जैसा इन्होंने कहा, सम्यक, यानी संतुलन हो आपकी जिंदगी में। आपके जीवन में दो आयाम हैं, एक राजसिक और दूसरा तामसिक। राजसिक आयाम कहता है कि दौड़ो, और तामसिक आयाम कहता है कि बिल्कुल मत दौड़ो, विश्राम में रहो, लेटे ही रहो, उठो ही नहीं चारपाई से। एक जड़ता है और दूसरा क्रियाशीलता है। एक आयाम दौड़ाता है आपको, दूसरा आयाम कहता है नहीं लेटे रहो जड़ की तरह। लेकिन जीवन का सत्य कहता है दौड़ो, और जीवन का सत्य कहता है
लेटे भी न रहो, थोड़ा विश्राम पूर्ण रहो और थोड़ा दौड़ो। यानी दौड़ने और लेटे रहने के बीच में संतुलन जरूरी है, और उस संतुलन को ही अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने सात्विकता कहा है। सात्विक हो जाओ। सात्विक हो जाने का अर्थ क्या है? सात्विकता कोई नया गुण नहीं है। सात्विकता का अर्थ है कि ना राइट ना लेफ्ट, दोनों के मध्य में रहो। एक बार हमसे एक मित्र आए, कहने लगे गुरुदेव हिंदुस्तान में एक पॉलिटिक्स राइट की है और एक पॉलिटिक्स लेफ्ट की है, आप राइटिस्ट के फेवर में हैं कि लेफ्टिस्ट के फेवर में हैं? मैंने कहा नॉट द राइटिस्ट नॉट द लेफ्टिस्ट, दोनों के बीच में, मिडिल पाथ इज द पाथ। और जीवन में आप पाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टि से आप पाएंगे कि जिंदगी ना तो सिर्फ राइट से बनती है ना सिर्फ लेफ्ट से बनती है। जिंदगी में इनर्शिया भी जरूरी है, यानी विश्राम भी जरूरी है, और जिंदगी में श्रम भी जरूरी है। श्रम और विश्राम दोनों का संतुलन जिंदगी में हो जाए, तभी सच्चे अर्थों में आपको जीवन उपलब्ध होता है, अन्यथा जीवन उपलब्ध नहीं होता। जीवन दो अतियों में नष्ट होता चला जाता है, और तभी तरह तरह की बीमारियां आपको घेरती हैं। अगर इन दोनों अतियों में न उलझो, मध्य में रहो, तो दोनों राइट और लेफ्ट, रजस और तमस, दोनों का आनंद आपको मिलेगा, और दोनों के दुर्गुणों से, दोनों की बुराइयों से, दोनों की नकारात्मकताओं से आप वंचित हो जाएंगे। और तीसरी बात होती है कि जब आप अति में नहीं होते हैं तो आपकी जीवन ऊर्जा संग्रहित होती है, इकट्ठा होती है, और अति में चले जाते हैं तो जीवन ऊर्जा नष्ट होती है। तो अगर जीवन ऊर्जा को नष्ट होने से बचाना है और ऊर्जा का सरोवर अपने भीतर निर्मित करना है, जिसको मैंने कहा रिलीजन इज द साइंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ योर लाइफ एनर्जी, धर्म जीवन ऊर्जा के संग्रह का विज्ञान है। अगर आप अतियों में नहीं रहते हैं तो आपकी जीवन ऊर्जा संग्रहित होती है, आप ऊर्जा के सरोवर बनते हैं, और अधिक आनंद आपके जीवन में बढ़ता चला जाता है। यह आनंद आपके जीवन में इतना बढ़ता जाए और अधिक बढ़ता जाए कि परम आनंद आपको उपलब्ध हो जाए। इसके लिए जरूरी है तीन खजाने, लाओ त्से जिने थ्री ट्रेजर्स ऑफ लाइफ कहता है, जीवन के तीन खजाने कहता है, वह है, पहला है प्रेम, दूसरा है अतियों से बचो, और तीसरा है नंबर वन होने की चेष्टा से स्वयं को मुक्त कर दो। ये तीनों सूत्र आपकी जीवन शैली का अंग बन जाए। लेट देम बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड लिविंग एंड यू विल फाइंड दैट योर लाइफ हैज स्टार्टेड अंडरगोइंग ए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको उपलब्ध हो। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। और अब मैं आपको अपनी उपस्थिति में ध्यान के गहरे अभ्यास में ले जाना चाहता हूँ। मैं पहले भी आपसे कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि ध्यान की बहुत सारी विधियाँ हैं, और बहुत सारी विधियों में आपको उलझाना नहीं चाहता हूँ। उन सारी विधियों का जो सारभूत सूत्र है उसका आपको सदैव स्मरण बना रहे, पहली बात। और दूसरी बात, उन संपूर्ण 112 ध्यान की विधियों में से कोई एक विधि
जो आपको प्रीतिकर लगे उसका आप उपयोग करें। तो मैंने आपको समस्त ध्यान की 112 विधियों का सार हमेशा बताने की चेष्टा की। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं उन विधियों का सार क्या है, लेकिन एक बात पूछता हूं कि कितने लोगों को पता है कि ध्यान की 112 विधियों का सार क्या है। कितने लोगों को पता है कि ये बताओ कि सार मुझे पता है। जिनको सार पता है वो हाथ उठाए। यस, गुड। चलो आई एम हैप्पी कि कम से कम जिन्हें पता है वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और आप कभी ना भूलें इन ध्यान की सारी विधियों का सार। इसीलिए मैंने अपना सारा नाम खत्म करके साक्षी श्री स्वयं को घोषित कर दिया, ताकि आपको याद दिलाता रहे मेरा नाम ही। इन 112 विधियों का सार है साक्षी भाव में जीना, साक्षी भाव में जीना। तो 24 घंटे साक्षी भाव में जीने की कला का अभ्यास करो। मेरा पूरा व्यक्तित्व ही ध्यान की विधियों का संदेश देता है आपको और सारी दुनिया को। उसको मैंने माध्यम बनाया है ताकि लोग जान सके कि साक्षी भाव में जीना ही अध्यात्म का प्राण है। और मैं आपसे कहूँ, साक्षी भाव में जीने का अर्थ सबको समझ लेना चाहिए। साक्षी भाव में जीने का अर्थ है ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। लर्न टू ऑब्जर्व एंड लर्न टू रिमेन जजमेंटल। यानी तुम्हारी जिंदगी में रोज घटनाएं हो रही हैं, कुछ न कुछ हो रहा है। जो भी दृश्य सामने आए, जो भी घटना सामने आए, जो भी तथ्य सामने आए, उसको सिर्फ देखो, उस पर निर्णय ना लो। देखने का मतलब होश पूर्वक देखो, और निर्णय ना लो इसका मतलब ना तो कहो ये बुरा है, ना तो कहो ये अच्छा है। रिमेन नॉन जजमेंटल, यानी कोई लेबल लगाने की चेष्टा ना करो। ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट, इसका अर्थ है कि आप सिर्फ होश पूर्वक देख रहे हैं, कोई जजमेंट नहीं कर रहे हैं जो हो रहा है उसके बारे में। जब आप होश पूर्वक बिना निर्णय के देखते हैं, तो पहली बार जिंदगी में आप सत्य को देखते हैं। आप अपनी दृष्टि के अनुसार घटने वाली घटनाओं का इंटरप्रिटेशन करके देखते हैं। तो जिंदगी में आप ही सत्य नहीं मिल सकता। सत्य नहीं मिल सकता है इसका मतलब आपको जिंदगी में कभी सुख नहीं मिल सकता है जिसके लिए अस्तित्व निर्मित किया है। इसलिए अगर तुम नियत पाना चाहते हो भगवान के स्वधर्म, अगर तुम अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त करना चाहते हो, जिसे कहते हैं आत्मसाक्षात्कार, अगर तुम अपनी होनी को इसी जीवन में साकार करना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, और उस उपाय का नाम है ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। तुम 24 घंटे जजमेंट करने में लगी रहती हो, बेटे ने यह गलत कर दिया, पत्नी ने यह गलत कर दिया, पति ने यह गलत कर दिया, भाई ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा कर दिया। अरे देखो, आपकी देखने की क्षमता दूषित हो जाती है। इसी को
अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा लर्न टू बी इन ए स्टेट ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस, यानी इसी साक्षी भाव में जीने की दूसरी व्याख्या आपको कह रहा हूं, इसको कृष्णमूर्ति कहते हैं, लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग इन ए स्टेट ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस, यानी अवेयरनेस हो लेकिन चॉइसलेस हो, चूज ना करो, सिर्फ देखो। तो जो साक्षी भाव में जीने लगता है उसकी समझ, सच्ची समझ, सर्वोच्च समझ के रूप में परिणत होने लगती है और वह जीवन में परम आनंद को पाने का पात्र बनने लगता है। तो जिंदगी में कुछ भी होता रहे उसको सिर्फ देखो, जजमेंट ना करो कि बहुत बुरा हो गया, अब तो ये हो गया। अरे रोटी तो मिल रही है, रोटी नहीं मिल रही है तो कैसे भी रोटी खाओ, छीन के खाओ, चुरा के खाओ, ऐसे खाओ, वैसे खाओ, लूट के खाओ, पाट के खाओ, कैसे खाओ, रोटी खाओ। लेकिन मैं जानता हूं आपको कभी रोटी की तकलीफ नहीं आ सकती है अगर आप जरा सा भी होशपूर्ण होकर जीने लगे तो। यहां बेहोशी में जीने वालों को रोटी की कमी नहीं पड़ती, आप तो होशपूर्ण होने की चेष्टा कर रहे हैं, आपको जिंदगी में कभी रोटी कपड़ा मकान की तकलीफ आएगी ही नहीं। मैं वचन देता हूं आपको, अपने गुरु को जानता हूं, आ ही नहीं सकती है। तो मैं कह रहा हूं जो भी हो रहा है जब आप उससे प्रभावित होना बंद कर देते हैं और अपना मनोबल बनाए रखते हैं तो एक क्षण आता है अस्तित्व भी झुक जाता है, वैसा वैसा ही होने लगता है जैसा जैसा आप चाहते हैं। ये धार्मिक सत्य है, लेकिन इसके लिए सिर्फ धैर्य धैर्य धैर्य, परसिस्टेंस परसिस्टेंस परसिस्टेंस। इसीलिए कहता हूं पानी की क्या मजाल की पत्थर को तोड़ दे, किंतु झरने से निरंतर झरता हुआ पानी कठोर से कठोर चट्टान को तोड़ देता है। आप उपलब्ध रहो, अपनी दृष्टि चिड़िया की आंख पर रखो, लेट योर फोकस बी ऑन द आई ऑफ द बर्ड, और कुछ भी होता रहे कितनी भी विषमताएं हों निशाना लग कर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मैं आपसे कहता हूं 24 घंटे साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करो तो आपकी 24 घंटे की जिंदगी ध्यानात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ध्यानात्मक हो जाएगी। जब 24 घंटे की जिंदगी ध्यानात्मक होती जाएगी तो आधे घंटे के लिए ध्यान में बैठने में आपको तकलीफ नहीं होगी। अभी आप सिर्फ आधे घंटे बैठने की कोशिश करते हो, 23.5 घंटे गैर ध्यान में रहते हो, 23.5 घंटे गैर ध्यान में रहते हो, इसलिए गैर ध्यान जीतता है, ध्यान करने का प्रयास आधे घंटे का असफल हो जाता है। तो इसके पहले कि तुम ध्यान का, माइंड पावर मेडिटेशन का या संजीवनी क्रिया करने का अभ्यास करो, मैं चाहूंगा कि आप साक्षी भाव में जीने का अभ्यास अभी से शुरू कर दें। कम से कम 3 दिन तो कर ही सकते हैं, 3 दिन का उपवास, बोलने का उपवास, मोबाइल का उपवास करो, थोड़ा सा तो साध सकते हो। कोई इतना नपुंसक नहीं है कि इतना छोटा सा 3 दिन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो साधना कैसे करोगे आप? साधना तो फिर असंभव चीज है, ये तो ऐसे ही है कि आप जैसे कबूतर, उनके पूर्वजों ने सिखा दिया था कि होशियार रहना, बहेली आएगा जाल बिछाएगा, फंस मत जाना, और यही गीत गाते रहे वो, और बहेलिया आया जाल बिछाया, वो जाल के ऊपर बैठ गए, दाना भी चुगने लगे और गीत गाए जा रहे हैं और सारे के सारे फंसे जा रहे हैं। वही आप कह रहे हो कि गुरुदेव सब कुछ याद है
गीत वही जारी है. इट शुड बी रिफ्लेक्टेड राइट नाउ राइट हियर. तो मैं एक छोटा सा प्रयोग कर रहा हूँ. अभी आप पूरा आनंद भाव से गीत और नृत्य में डूबे रहे. आप अपने हाथ की हथेली को अपने माथे पर नीचे से ऊपर एक मिनट तक, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, एक मिनट तक आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का रगड़ना है आपको और आंख बंद रखना है एक मिनट के लिए. बस सुखपूर्वक बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और अपने आज्ञा चक्र को अपनी हथेली से ऊपर और नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रगड़ते रहें. आंख बंद रखेंगे और जो ऊर्जा आपके शरीर में पैदा हुई है उस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है. और उसके लिए जब आप हाथ की हथेली से ऊपर नीचे रगड़ेंगे तो ये ऊर्जा उस स्थान पर सारे शरीर से चलकर उस आज्ञा चक्र पर इकट्ठा हो जाएगी. सिर्फ एक मिनट मैं आपको निर्देश दूंगा. जब निर्देश दूंगा तब आप रुकेंगे, लेकिन आंख अपनी बंद रखेंगे आनंद भाव से और ये भाव करते रहेंगे आपके शरीर की सारी ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर थर्ड आई पर केंद्रित हो गई है. ये भाव भी करते रहे कि आपकी जीवन ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर केंद्रित होती जा रही है, संग्रहित होती जा रही है, इकट्ठा होती जा रही है. ये थर्ड आई है आपकी, तीसरी आंख है, आज्ञा चक्र है. वहां पर ऊर्जा का आना आपकी क्षमताओं को अनंत गुना बढ़ाने में सहयोगी का काम करता है. आंख बंद रखेंगे और अगले 10 मिनट तक बंद आंखों से अपने दोनों भौहों के मध्य बिंदु पर, आज्ञा चक्र पर, जहां अभी आपने एक मिनट घर्षण का कार्य किया, उस बिंदु को देखते रहेंगे, बंद आंखों से देखते रहेंगे. अब देखने से जो ऊर्जा वहां पर इकट्ठा हुई है वो अनंत गुना बढ़ने की संभावना रखती है. वो ऊर्जा बढ़ेगी और आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय करेगी, जो कि आपको आपके अनंत शक्तियों का स्रोत है. बंद आंखों से दोनों भौहों के मध्य बिंदु को, आज्ञा चक्र को देखते रहे अगले 10 मिनट तक. अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है. इस 10 मिनट के अंदर अब मैं अपनी ऊर्जा का संप्रेषण आपके हृदय से आपके आज्ञा चक्र की तरफ करूंगा. बंद आंखों से आपको सिर्फ अपने आज्ञा चक्र को देखते रहना है. ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम मी टू यू.
ब्यूटीफुल, आंख बंद रखेंगे। अब थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करते रहने से आपका अवचेतन मन सक्रिय हो गया है। अब मैं कुछ निर्देश दूंगा और जैसा जैसा निर्देश देता जाऊं वैसा वैसा आपको करते जाना है। आप अपने को पूरी तरह मेरे हाथों में छोड़ दे। अब अगले एक मिनट तक आप लगातार ऐसा भाव करेंगे कि आपका पूरा शरीर शिथिल, शांत, विश्राम पूर्ण होता जा रहा है। आपका पूरा शरीर शिथिल, शांत, विश्राम पूर्ण होता जा रहा है। जैसा आप भाव करते हैं वैसा वैसा ही शरीर करने लगता है। योर बॉडी इज द मोस्ट ओबेडियंट सर्वेंट। अब आप भाव करेंगे अगले एक मिनट तक कि मेरा शरीर पूरी तरह शिथिल, शांत, विश्राम पूर्ण हो गया है और आपका शरीर पूरी तरह शिथिल, शांत, विश्राम पूर्ण हो जाएगा एक मिनट के भीतर, क्योंकि अवचेतन मन की शक्ति आपको पूरी मिल रही है। यही भाव अपने मन ही मन दोहराते रहे। मेरा शरीर पूरी तरह शिथिल, शांत, विश्राम पूर्ण होता जा रहा है। वंडरफुल। हर एक का शरीर पूरी तरह शिथिल, शांत, विश्राम पूर्ण हो चुका है। अब दूसरे मिनट भाव करेंगे कि मेरी श्वास भी शिथिल, शांत, मंद होती जा रही है। मेरी श्वास की गति भी शिथिल, शांत, मंद होती जा रही है। तो अगले एक मिनट तक इसी भाव से भरे रहेंगे कि मेरी श्वास की गति शिथिल, शांत, मंद होती जा रही है। और एक मिनट बीतते बीतते आप पाएंगे कि आपकी श्वास बहुत धीमे धीमे चलने लगी है। तो अगले एक मिनट तक इसी भाव को दोहराते रहे। मेरी श्वास भी शिथिल, शांत, मंद होती जा रही है। मन ही मन दोहराते रहे इसी भाव को। जैसा करते हैं भाव वैसा ही शरीर करने लगता है। तो अब आपकी श्वास भी बहुत धीमी गति से चलने लगी है और अब तीसरे चरण में भाव करेंगे कि अब मेरे विचारों का आना भी बंद होता जा रहा है। विचारों का आना भी बंद होता जा रहा है। अब मेरे विचारों का आना भी बंद होता जा रहा है। अब मैं विचार शून्य होता जा रहा हूँ। अपनी श्वास को देखते रहेंगे और भाव करेंगे कि मेरे विचारों का आना भी बंद होता जा रहा है। जैसा करेंगे भाव वैसा वैसा ही होने लगता है। विचारों का आना भी शून्य होता जा रहा है। इस प्रकार पहले चरण में आपने शरीर को शिथिल, शांत, विश्राम पूर्ण कर दिया, शरीर को सुला दिया। दूसरे चरण में श्वास को शिथिल, शांत, विश्राम पूर्ण कर दिया, श्वास को भी सुला दिया। और अब तीसरे चरण में आपने विचारों को भी
शिथिल शांत करके सुला दिया। अब आपका पूरा शरीर सो गया है और आप इस शरीर के भीतर सूक्ष्म प्रकाश के रूप में हृदय केंद्र पर जाग रहे हैं। शरीर को सुला दिया आपने, श्वास को सुला दिया आपने, विचारों को सुला दिया आपने, और इस शरीर को पड़ा हुआ देख रहे हैं। इसके भीतर सूक्ष्म प्रकाश बिंदु के रूप में पड़े हैं आप, और अब साक्षी भाव से शरीर को सोता हुआ देखते रहे, और जो चारों तरफ शांति की, सन्नाटे की आवाज है उसे साक्षी भाव से सुनते रहे, चाहे वो पंखों की सरसराहट हो, चाहे बच्चे का चीखना हो, चाहे कुछ भी ध्वनि हो रही है, सबके प्रति जागरूक हैं आप। आप जागे हुए हैं, शरीर सो रहा है और साक्षी भाव की अवस्था में 10 मिनट शरीर के भीतर सूक्ष्म प्रकाश बिंदु के रूप में पड़े रहे। ध्यान रखें, जागे रहना है, क्योंकि आपकी आदत है शरीर के साथ एक हो जाने की, तो आप सो जाएंगे इसकी पूरी संभावना है, लेकिन शरीर सो गया है, आप जागे हुए हैं, इस बोध को बनाए रखना है अगले 10 मिनट तक। शरीर सो गया है, आप जागे हुए हैं, शरीर से स्वयं के बिल्कुल अलग होने का भाव गहराते जाएं। आप शरीर नहीं हैं, आप श्वास नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, वह सब सो गए हैं, आप जाग रहे हैं। जो जाग रहा है वही शुद्धतम साक्षी साक्षात कृष्ण है आपके भीतर। इस शरीर से स्वयं को अलग होने के बोध को गहराते गहराते एक दिन आपकी चेतना स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाएगी। इस अभ्यास को हर रोज रात्रिकाल बिस्तर पर जाते समय करते रहना है। दिस इज बेड टाइम मेडिटेशन, रात्रि सैया ध्यान। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। यह बहुत ही शक्तिशाली ध्यान की प्रक्रिया है, रात्रि सैया ध्यान। इसके लिए आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति हर रात सोने के लिए बिस्तर पर जाता है, आप भी हर रात सोने के लिए बिस्तर पर जाएंगे, और जब बिस्तर पर सोने के लिए जाएं उस समय एक एक मिनट, कुल 3 मिनट, 1 मिनट भाव करना है शरीर के प्रति। जब आप लेट गए हैं बिस्तर पर तो आपको सिर्फ 13 मिनट का समय निकालना है। कितने मिनट का? 13 मिनट का। फर्स्ट मिनट, प्रथम 1 मिनट में
आप भाव करेंगे कि मेरा शरीर पूरी तरह शिथिल शांत विश्राम पूर्ण हो गया है। दूसरे मिनट में आप भाव करेंगे कि मेरी श्वास पूरी तरह शिथिल शांत मंद हो गई है, और तीसरे मिनट में भाव करेंगे कि मेरे विचार भी शिथिल शांत और बंद हो गए। आपका शरीर आपके भाव को तुरंत फॉलो करता है। जैसे आप चाहते हैं उठना तो शरीर उठ जाता है, आप भाव करते हैं चलने का पैर चलने लगता है, आप भाव करते हैं हाथ उठाने का हाथ ऊपर उठ जाता है, आप भाव ही करते हैं बोलने का मुंह बोलने लगता है। ये इतनी बड़ी शक्ति है आपके भाव में, आपको पता ही नहीं। एंड योर बॉडी इज द मोस्ट ओबेडियंट सर्वेंट। जैसा करते हैं भाव, आप भाव करते हैं यूरिनेट करने का, शरीर तत्काल फॉलो करता है। जो करते हैं भाव, शरीर तुरंत करता है। तो आप भाव करेंगे कि शरीर शिथिल शांत विश्राम पूर्ण हो गया है, तो शरीर तुरंत विश्राम पूर्ण हो गया हो जाता है एक मिनट के अंदर। ऐसे लगेगा कि जैसे एनेस्थीसिया दे दिया गया है आपको शरीर को। आप थोड़ा थोड़ा सा समय निकालें, थोड़ा अपने शरीर के प्रति, अपनी श्वास के प्रति, अपने विचारों के प्रति होश पूर्ण हो जाए। इन तीनों के साथ आपका तादाद में बन गया है, आपका होना ही अपना होना मान लेते हैं। आप शरीर के साथ एक हो जाते हैं, श्वास के साथ एक हो जाते हैं, विचारों के साथ एक हो जाते हैं। यही आपकी जिंदगी के सारे दुखों का कारण है, और सारी साधनाओं का सार है कि इन आयामों से, शरीर से, श्वास से, विचारों से, भावनाओं से अलग होने के अपने अस्तित्व का बोध हो जाए आपको, और धीरे धीरे आपकी चेतना स्वयं में स्थित हो जाए। तो जब रात्रि शैया ध्यान का अभ्यास आप करेंगे तो एक मिनट में आप शरीर को सुला देंगे, दूसरे मिनट में श्वास को सुला देंगे, तीसरे मिनट में विचारों को सुला देंगे। अब आपने अपने सारे यंत्र को सुला दिया, और आप ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, आप सूक्ष्म प्रकाश बिंदु के रूप में, चेतना के रूप में, या कहें आत्मा के रूप में इस शरीर के भीतर हृदय केंद्र पर विराजमान। तो अब शरीर सो रहा है और आप जाग रहे हैं, और शरीर को पड़ा हुआ देख रहे हैं, और जितनी ध्वनियाँ हो रही हैं, अगर नीचे कुत्ते भौंक रहे हैं तो उसकी आवाज़ को सुनिए, वो भी ध्यान है। श्रवण ध्यान, साक्षी भाव से श्रवण करना है जो भी ध्वनियाँ हो रही हैं पूरे अस्तित्व में। रात के सन्नाटे को सुनिए, सन्नाटे के साइलेंस की साउंड को सुनिए, कुत्तों के भौंकने को सुनिए, आती जाती हुई गाड़ियों की ध्वनि सुनाई पड़ेगी वो भी सुनिए, साक्षी भाव से सुनिए, विदाउट बीइंग जजमेंटल कि बड़ी खराब आवाज़ है या बड़ी मधुर आवाज़ है, कोई फर्क। चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ शरीर के भीतर पड़े हैं, और वो जितना देर आप जागे रह सके, आपका इन तीनों के साथ ऐसा गहरा जोड़ हो गया है कि जब इन तीनों को सुलाएंगे तो आपको मुश्किल से एक दो मिनट में आप भी सो जाएंगे। लेकिन चेष्टा करनी है कि तीनों को सुला दिया है और आप जागे रहें, यही साधना है आपकी कि आपको जागे रहना है। अधिकांश लोग जो सिंसियरली इस बेड टाइम मेडिटेशन, रात्रि सैया ध्यान का अभ्यास करते हैं, उनकी शिकायत है कि गुरुजी मतलब 3 मिनट बीतता है और 2 मिनट और बीतते बीतते कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि जन्मों जन्मों से आप इन तीनों के साथ एक होकर जिए हैं, इसलिए इनकी लय में डूब जाते हैं आप, उस समय जागे रह पाना होता है। मैं यही कहता हूँ, कोशिश करिए कम से कम 10 मिनट आप ज़रूर जागे रहें।
धीरे धीरे 5 मिनट में जागे रहने में सफल होंगे, फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट जागे रहने में आसानी से सफल हो सकते हैं। जिन लोगों को निद्रा की समस्याएं हैं उनके लिए तो ये रामबाण औषधि है, ये बेड टाइम मेडिटेशन, उनको तुरंत नींद आ जाएगी अगर वो इसका अभ्यास करते हैं। और जिनको कोई समस्या नहीं है वो धीरे 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 इस 10 मिनट को बढ़ाएं, 10 मिनट को फिर 15 मिनट करें, फिर 20 मिनट करें। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो आदमी जाग जाता है पूरी तरह, जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, क्राइस्ट कहते हैं, लाओत्सु कहते हैं, जो कबीर कहते हैं, नानक कहते हैं, रैदास कहते हैं, ये जागे हुए लोग हैं, ये पूरा जाग गए हैं, वो पूरा शरीर की सत्ता से स्वयं को अलग अनुभव कर चुके हैं, उनकी चेतना स्वयं में स्थित हो गई है। तो जिसकी चेतना स्वयं में स्थित हो जाती है उसको फिर सोना उसके लिए सिर्फ विश्राम करना हो जाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि एक समय आएगा जब रात भर आपका शरीर सोएगा और आप जागे रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब सामान्य लोग सोते हैं तब भी योगी जागते रहते हैं, यानी वो जाग ही गए। तो ये जागी हुई अवस्था आपको उपलब्ध हो सकती है, धीरे धीरे जागो। तो मैंने आपको एक अनिवार्य ध्यान दिया, रात्रि सैया ध्यान, जिसके लिए आपको अलग से कोई समय निकालना नहीं है। दूसरा मैंने आपको दिया साक्षी भाव में 24 घंटे जीने की कला, 24 घंटे साक्षी भाव में जीने की कला का अभ्यास करना, लर्निंग टू लिव विथ चॉइसलेस अवेयरनेस इन लाइफ 24/7। जब जाग रहे चॉइसलेस अवेयरनेस बनी रहे, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट रहे। अगर इस तरह रहने लगेंगे तो आपका कोई शत्रु नहीं होगा। अभी तो सारे जो ही आपसे मिलता है आधे लोग आपके शत्रु बन जाते हैं, सामने से नहीं कम से कम पीठ के पीछे से बन जाते हैं। तो 24 घंटे इसको प्रैक्टिस करें। और मैंने कहा एक ध्यान आपको, मैं कन्फ्यूजन में नहीं ले जाना चाहता हूँ, मैंने सारी 112 विधियों का सार आपको बताया साक्षी भाव में जीना, और उनमें से 3 विधियां मैंने आपको दी। एक श्वास पर ध्यान, जो जिसके थ्रू भगवान बुद्ध को बुद्धत्व उपलब्ध हुआ था, कि बंद आंखों से आती हुई श्वास जाती हुई श्वास को देखते रहना, आनापानसति योग। ये विधि भी उन 112 विधियों में से एक विधि है। संजीवनी क्रिया के अंतिम चरण में इन 3 विधियों में से एक विधि है विपश्यना की विधि, जिसका आनापानसति योग, जिसको कहते हैं आती हुई श्वास जाती हुई श्वास को देखना। या तो इस विधि को संजीवनी क्रिया में करें, थर्ड आई मेडिटेशन जिसका मैंने आज अभ्यास कराया, बंद आंखों से दोनों भावों के मध्य बिंदु को देखते रहें, दैट इज थर्ड आई मेडिटेशन। और तीसरी विधि है हार्टफुलनेस मेडिटेशन, यानी बंद आंखों से ध्यान का रुख हृदय केंद्र की ओर, बंद आंखों से हृदय केंद्र को देखते रहें। इन तीनों का आप एक एक हफ्ते अभ्यास करें, और तीनों में जो सबसे आपको प्रीतिकर लगे उस एक विधि को चुन ले, वो आपकी विधि होगी। किसी को श्वास पर ध्यान केंद्रित करना प्रीतिकर लगेगा, सुविधाजनक लगेगा, किसी को हृदय पर ध्यान केंद्रित करना सुविधाजनक लगेगा, और किसी को थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करना सुविधाजनक लगेगा। तो इन तीनों में से किसी एक विधि को चुन लें और उस पर निरंतर अभ्यास करें, निरंतर उसी विधि का अभ्यास करें, तो वो विधि धीरे धीरे सिद्ध होती चली जाएगी। तो संजीवनी क्रिया के माध्यम से एक ध्यान का अभ्यास करें आधे घंटे कम से कम रोज,
और दूसरा बेड टाइम मेडिटेशन हर रात करें, और तीसरा इनर क्लींजिंग, भीतरी सफाई करना जरूरी है। बहुत सारी नकारात्मकता आपके भीतर 24 घंटे में इकट्ठा हो जाती है, उसको साफ करना जरूरी है, और उसको साफ करने की विधि है विचार शक्ति का विज्ञान, एंड दैट इज पार्ट ऑफ इनर क्लींजिंग। ये इन चीजों को अपने लाइफ में इंटीग्रेट कर लें तो कितना सरल हो गई साधना। आपको सिर्फ सवेरे आधे घंटे देना है संजीवनी क्रिया या माइंड पावर मेडिटेशन, दोनों में से कोई एक करो। जो मैंने माइंड पावर मेडिटेशन कराया उसको करो या संजीवनी क्रिया करो, आपकी चॉइस, ठीक है। एक विधि आपको सवेरे आधे घंटे करनी है, दूसरी विधि मैंने बताया बेड टाइम मेडिटेशन, उसके लिए अलग से समय नहीं निकालना है, और तीसरा मैंने बताया 24 घंटे साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करना है। साक्षी भाव याद रहे इसलिए अपने नाम के आगे साक्षी जोड़ लो, साक्षी एक्स, साक्षी वाई, साक्षी जेड बन जाओ, ताकि आपको याद रहे कि मुझे साक्षी भाव में जीना है, और लोग कहने लगे कि ये तो साक्षी हो गया है। जब लोग कहने लगेंगे आप कि ये तो साक्षी हो गया है, तो उनका कहना भी आपके लिए रिमाइंडर का काम करेगा, यार देखो कह तो रहा है ये कि साक्षी हो गया है लेकिन मैं हुआ नहीं हूं। जैसे अभी मैंने आपको रिमाइंड किया कि आपने सवेरे संकल्प लिया था, भाई अभी तो गड़बड़ हो गया, तो चोट पड़ी ना थोड़ा आपको, यस आर नो? तो मैं कोई रिचुअल नहीं देता हूं, मैं रिचुअल फ्री इंडिविजुअल चाहता हूं, बंधन मुक्त जीवन चाहता हूं, कोई बंधन ना रहे आपके ऊपर। इसलिए ना मैं माला देता हूं, ना मंत्र देता हूं, ना वस्त्र देता हूं, कुछ नहीं देता हूं, सिर्फ एक चीज, ये सब जितने रिचुअल्स दिए गए थे आपको किसी तरीके से याद दिलाने के लिए दिए गए थे, लेकिन उनको आपने बंधन बना लिया, इसलिए मैं रिचुअल्स देता ही नहीं हूं, क्योंकि फिर आप रिचुअल करने लगते हैं और विज्ञान मर्म को भूल जाते हैं। फिर रिचुअल होता है, मर्म भूल जाता है, और रिचुअल व्यर्थ के हो जाते हैं, दो कौड़ी के। मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन मंदिर जाएंगे आएंगे रोज, लेकिन दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे, मूर्ति के सामने हाथ भी जोड़ लगे, जो दर्शन का मर्म था, जो दर्शन का विज्ञान था, वो कभी नहीं होता है। तो वो जो रिचुअल है वो आपकी छाती पे बोझ बन गया, वो ऐसा संस्कार बन गया जो आपको ब्लंड कर देता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, और मिलता कुछ नहीं, आपको भ्रांति और हो जाती है, अहंकार और हो जाता है कि मैं तो बड़ा धार्मिक हूँ, मैं तो हर रोज दर्शन करता हूँ, हर रोज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता हूँ, हर रोज तीर्थ यात्राओं पर जाता हूँ, वो तो इसलिए मैं रिचुअल नहीं देना चाहता। लेकिन साक्षी शब्द अपने नाम के आगे जोड़ दीजिए, क्योंकि कोई चीज़ तो चाहिए जो आपको हैमर करती रहे, मैं 24 घंटे उस साक्षी नाम के माध्यम से आपको हैमर करता रहूँगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि साक्षी नाम जोड़ लीजिए, और जो करिए ऑथेंटिसिटी के साथ करिए, गर्व के साथ करिए, प्रामाणिकता के साथ करिए, मनोबल के साथ करिए, लुंज पुंज ना करिए, हाँ मैं साक्षी तो हूँ। अब ना आप इधर के हैं ना उधर के हैं, साक्षी तो आत्मा है अध्यात्म की, ये तो उत्कर्ष है अध्यात्म के विज्ञान का, यहां तक दुनिया का कोई धर्म नहीं पहुंच सका, और इसी के कारण हम सारी दुनिया में जगतगुरु कहे गए हैं। इसलिए उस साक्षी के सत्य को, साक्षी के दर्शन को, साक्षी की आत्मा को प्रतिष्ठित कर लेना ही अपने भीतर के कृष्ण को पैदा कर देना है। इसीलिए कृष्ण का एक नाम साक्षी भी है। तो ये बेड टाइम मेडिटेशन आपको हर रोज करना है, चाहे 5 मिनट में ही सो जाएं, लेकिन बिना किए ना सोएं, ये संकल्प लेके उठो।
और आज करना, मैं सबसे कल पूछूंगा कि जब आज रात में सोने के पहले आपने किया तो कितनी देर में नींद आई, ठीक है? ओके, थैंक यू माय लव माय ब्लेसिंग्स।